भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने दावा किया है कि अगला विधानसभा चुनाव वर्तमान मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 8 मार्च को झुंझुनू में होने वाली सभा की तैयारियों को लेकर सीकर आए परनामी ने आज यह बात कही, साथ ही उपचुनाव में हार को लेकर सफाई भी दी। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018 में सीएम का चेहरा बदले जाने की चर्चाओं को खारिज करते हुए परनामी ने कहा कि मोदी की सभा के बाद मंत्रिमंडल में बदलाव होगा या नहीं, इसकी जानकारी मुझे नहीं। परनामी का कहना था कि इसका पूरा अधिकार मुख्यमंत्री के पास है, लेकिन इतना जरूर है कि संगठन में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। उल्लेखनीय है कि उपचुनाव के बाद प्रदेश अध्यक्ष बदलने की चर्चा भी बनी हुई थी, लेकिन परनामी ने संगठन में परिवर्तन से इनकार किया है। वहीं 3 उपचुनाव में हार के कारणों के सवाल पर परनामी ने कहा कि हार का मुख्य कारण सोशल इंजीनियरिंग की कमी रही। हमने इस पर मंथन किया है और कारणों को जानने के बाद अगले विधानसभा के लिए मिशन 180 तय किया गया है। देखिए, तीनों उपचुनाव में विकास की कहीं कमी नहीं, परंतु कुछ थोड़ा सा सोशल इंजीनियरिंग जिसे कहते हैं अपन चुनाव में, उसमें कहीं ना कहीं कमी थी। तो निश्चित रूप से उसको हम दूर करके सबके साथ चलेंगे और निश्चित रूप से हमारी सरकार बनेगी। कांग्रेस को इतना उछलने की जरूरत नहीं है। अभी त्रिपुरा में आपने देख लिया, मेघालय में आपने देख लिया, नागालैंड में आपने देख लिया, आज केवल मात्र पूरे देश में कांग्रेस की 4 प्रदेशों में सरकार है खाली और 20 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज बिल्कुल नारा पूरा करेंगे, कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण हम करेंगे। और कांग्रेस मुक्त का मतलब है कांग्रेस की जो गलत नीतियां थी उनसे मुक्ति दिलाएंगे देश की जनता को। उधर परनामी ने इस मौके पर भाजपा के विधायकों और पदाधिकारियों को भीड़ जुटाने के लक्ष्य दिए और मोदी की सभा पर चर्चा की।